I'm just really happy to be here to perform, and that's why I'm here. I'll be doing my performance and going home. Dancing on Halkat Jawani and a remix of Chhammak Chhallo. And as everyone knows, I love to perform on stage. It's something that I enjoy doing because I enjoy dancing in front of my fans. And that's why I'm here. I'm a New York designer here, and since it's a red carpet event, I think this is an apt outfit for the red carpet. Whichever award function offers me to dance, I turn up there. It's important to me that my act is great, and that's what's important. I want my fans to enjoy my performance. जैसे कि मैंने अभी कहा था अंदर जाने से पहले कि जनता की ओर से जो वोट पड़ा है उसकी वजह से ये पुरस्कार मुझे दिया गया है। हम सब जनता के लिए ही काम करते हैं, उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं, और उनकी तरफ से यदि हमारे बारे में कुछ सोच हो तो मैं ये अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। बहुत ही खुशी हो रही है। मैं जब आई थी तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे भी कुछ अवार्ड मिलने वाला है। इट्स नाइस, इट्स लवली टू गेट दिस एजलेस ब्यूटी। आई हैव टू मेंटेन दिस नाउ टिल आई लिव। इट्स अ वेरी टफ जॉब फॉर मी। ये अवार्ड्स ज़रूर रखना चाहिए। सभी जितने भी आगे आने वाले हीरोइंस हैं जो 60 तक पहुँचने वाले हैं, उन सब के लिए खास रख कर ये देना ही पड़ेगा, क्योंकि दैट्स हाउ दे कैन मेंटेन देमसेल्फ। आई मीन इफ एट ऑल आई एम डूइंग समथिंग गुड, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई डांस। आई विल गिव इट टू रेखा। Maybe I'll call her tomorrow and I'll give her. Well, I think itne sare award functions here. I think ki I should say this was the first maybe real awards, because ye people ka choice hai and it's the janta, and it's nice to know what the people want, and we are here for them. So if they choose people, then they're on the right track. Of course, it's a people's choice awards, or this is the first time. I think it's important for the industry to show, you know, a very good solidarity here. I am kind of busy with work traveling. I like to design most of my own clothes. नहीं तो कभी कभार ऑफ कोर्स मेरे जो फ्रेंड्स हैं, बहुत डिज़ाइनर फ्रेंड्स हैं, सबके कपड़े पहनती हूँ, बट आज मैंने खुद की क्रिएटेड साड़ी पहनी है। आई एम इंजॉइंग वेयरिंग साड़ीज। मुझे लगता है कि इंडियन औरत साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। देखिए, करीना इज़ ऑलवेज ग्लैमरस, शी इज़ गॉर्जियस। मैं कुछ दिन पहले उसे मिली थी एंड शी इज़ लुकिंग स्टनिंग, तो आई एम श्योर शी विल बी फैबुलस। तो मैं तो ठीक है, बहुत बार देखे, आई थिंक द होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द ब्राइड Kareena performing today with her husband. Just a simple bandhani types, you know. बहुत time हुआ था बांधनी पहनी नहीं थी। मैंने कहा yes, I must wear it today because nobody आजकल कोई पहनता नहीं है, और ये traditional साड़ियाँ चलती ही रहती हैं। देखिए, अभी तो ये पहली बार ये यहाँ पे हो रहा है, so let us see how it goes, then only one can understand how it is. Of course, expectations तो अच्छे ही होंगे, they are doing it superb. Well, मैंने अपना regular white shirt, blue jeans, boots और tie, ये गलत नहीं जा सकता, कोई भी पहन सकता, अच्छा लगता है, तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया इस बार। दैट्स इट, इट्स अ वेरी सिंपल लुक, और एटीट्यूड सही होना चाहिए, मजा करो, एंजॉय योरसेल्फ, दैट्स द बेस्ट एटीट्यूड यू हैव। आई एम हियर टू एंजॉय माय सेल्फ एंड प्रॉब्ली गिव एन अवार्ड, सो आई एम हियर टू एंजॉय माय सेल्फ। इट्स गुड कि कभी ऐसे शोज में एज कोरियोग्राफर्स हम जाते हैं और जहाँ पे हमें काम नहीं करना पड़ता है, बट जस्ट देखो, एंजॉय करो। बस ये नाम ही बहुत मज़ेदार है, पीपल्स चॉइस अवार्ड। जिस तरह से लोग पसंद करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा को, तो आशा करते हैं कि जो जो कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हैं
उसमें अवार्ड मिलना ही चाहिए। बहुत अच्छा लगता है और हमें भी खुशी होती है कि आम इंसान है वो लोग भी ऐसा कहते हैं कि बस आपकी चलती रहे कभी बंद मत करना, ऐसा कॉम्प्लीमेंट सुनते तो बहुत अच्छा लगता है। रेड कार्पेट की मेरी तैयारियां 5:30 मिनट की थी, आई एम शूटिंग राइट नेक्स्ट फ्लोर और मैंने अपना अटायर बदला और मैं सीधा आ गया। यू नो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मधुबाला हैज बीन नॉमिनेटेड इन वन कैटेगरी, तो इसीलिए मेनली तो आई हैव कम फॉर दैट। बस यहां आ गया एंजॉय करने के लिए, इवेंट देखने के लिए एंड आल्सो बिकॉज़ मैं नॉमिनेटेड हूं, थोड़ी नर्वसनेस है कि आई होप मिल जाए बिकॉज़ इट्स अ ग्रेट अवार्ड। आई एम हियर टू हैव अ गुड टाइम, अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं, रिजल्ट्स नहीं है, तब तक थोड़ा टाइम पास मस्ती कर सकता हूं, कल जाएंगे उसके बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन आई एम जस्ट हियर टू हैव अ गुड टाइम। हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम लोग ने बहुत पहले हमारी मुलाकात हो गई थी, अभी हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं एज वी एंटर टुगेदर। आई एम गोइंग विद द फुल धमाल सिंग इन माय माइंड राइट नाउ, बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन इनसाइड, लाइक एक्साइटमेंट एंड टू गो इनसाइड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। इट वाज अ रैंडम पिकअप एंड आई थॉट आई जस्ट माय फेवरेट कलर प्रोबेबली जिससे मैंने पिकअप कर लिया इसको, नथिंग आई हैव नेवर थॉट अबाउट कि क्या पहनना है, रैंडम कलर पिकअप एंड रैंडम ड्रेस पिकअप व्हिच आई एम वेयरिंग। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, पीपल्स चॉइस अवार्ड और इससे जिसको पसंद किया उन सबको अवार्ड मिलेगा, बहुत जेन्युइन अवार्ड फंक्शन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोनों को साथ में देखने के लिए और पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, दे गोना रॉक द स्टेज, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोनों को देखने के लिए। तैयार होने में बस 15 मिनट लगते हैं, आदत है साड़ी पहनने की, सो आई डोंट थिंक सो इट टेक्स मी अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड बेसिकली लर्निंग सो मच अबाउट डिफरेंट कल्चर, different places, enjoying it and very soon, maybe next year. मैं कहूँगी कि जनता के लिए हम एक्टिंग करते हैं, हम उन्हें एंटरटेन करते हैं, सो ऑल आई विश इज़ कि उनका प्यार मुझे जिस तरह से मिला है वो अवार्ड्स में भी दिखे, सो आई थिंक दैट्स ऑल एक्सपेक्टेशन आई हैव। बिल्कुल 5 बजे से रेडी हो रही हूँ तो अभी 8 बजे रेडी हुई, आई मीन यू नो स्टार्ट किया 3 घंटे लग गए, ओ माय गॉड, हेयर मेकअप एंड एक्स वाई जेड, बहुत ही फेवरेट चूड़ियाँ हैं ये मेरी, और ये चूड़ियाँ मेरा रियलिटी शो था और तब की है ये चूड़ियाँ और ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। आई वॉज वेरी अपसेट, मुझे तो जाना था एंड आई लव हर वेरी मच करीना, आई लव करीना, बट क्या करूँ, यू नो आई वॉज इन पेन, मैं एकदम डिप्रेस थी उस दिन।